हेलो नमस्ते सलाम दुआ वणक्कम प्रणाम सत श्री अकाल केम छु सारू छे। मैं शशांक आपका अपने चैनल ट्रिप ट्यूशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश के कुछ ऐसे मुख्य 5 शिवालयों की जिनका अस्तित्व आदिकाल से है। और आप में से बहुत लोग हरिद्वार आए होंगे पर आपने उन शिवालयों के दर्शन नहीं करे होंगे। बहुत से लोग तो हर साल हरिद्वार आते हैं लेकिन फिर भी मुझे लगता है वो उन 5 शिवालयों तक नहीं पहुंचे होंगे। तो देरी ना करते हुए आज हम उन 5ों शिवालयों घूम लेते हैं, क्योंकि उन 5 शिवालयों में अगर आप दर्शन करते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों को गृहस्थ जीवन जीने में या बनाने में समस्या आ रही है या कहिए कि शादी नहीं हो रही है, वह अगर इन 5 शिवालयों में एक ही दिन 5ों शिवालयों में जल चढ़ाए तो बहुत जल्द उनको मन चाह जीवन साथी मिल जाता है। यह 5 शिवालय आज हम आपको दिखाएंगे, तो शुरू से लेकर लास्ट तक हमारी वीडियो को देखते रहिए और दर्शन कीजिए इन 5 शिवालयों की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आने वाला हूँ जो पूरे विश्व में हिमालय के चरणों में एक ही मंदिर है, उसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्द आपके लिए लेके आने वाला हूँ। नंबर 1, बिल्केश्वर मंदिर। बिल्केश्वर मंदिर हर की पौड़ी से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ पर माता पार्वती ने 3000 साल तप किया और भगवान शिव को पति रूप में पाया। यह पवित्र पावन स्थान भगवान शिव के साक्षात दर्शन कराता है। यहीं से 50 कदम की दूरी पर गौरी कुंड है, जहाँ पर माता ने तपस्या की और ब्रह्मा जी द्वारा जल वहाँ पर गिराया गया। वह स्थान आज गौरीकुंड के नाम से है। वहाँ लोग और श्रद्धालु जाकर स्नान करते हैं और उस जल को पीते हैं, जिससे सभी रोग विकार भी दूर हो जाते हैं और सभी मन्नतें भी पूरी होती हैं। नंबर 2, नीलेश्वर मंदिर। नीलेश्वर मंदिर हरिद्वार की चंडी देवी से 0.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह वह स्थान है जहाँ पर भगवान शिव ने अपने गण नीलेश्वर को प्रकट किया, जिसने राजा दक्ष के हमन को जाकर तहस नहस किया और भगवान शिव ने यहीं पर खड़े होकर राजा दक्ष के विध्वंस को होते हुए देखा था। यहीं पर ही स्वयंभू 2.5 फीट ऊंचा शिवलिंग है जो आप देख सकते हैं और जल चढ़ा सकते हैं। यहां पर मांगी गई हर एक मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। नंबर 3, वीरभद्र मंदिर। वीरभद्र मंदिर हरिद्वार और ऋषिकेश के मध्य में स्थित है। हरिद्वार ऋषिकेश के मध्य में IDPL नामक स्थान के पास ही यह वीरभद्र मंदिर है। यहाँ पर भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर अपनी जटा से वीरभद्र नामक गण को प्रकट किया था, जिसने कनखल में जाकर राजा दक्ष के हमन कुंड को विनाश किया था, इसीलिए इस मंदिर को वीरभद्र मंदिर कहते हैं। यहाँ पर आप अपनी मनोकामना मांग कर पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर साल में एक बार बहुत ही बड़ा मेले का आयोजन होता है, जिसमें कई हजार श्रद्धालु आते हैं। नंबर 4, चंदेश्वर मंदिर। चंदेश्वर मंदिर ऋषिकेश के शीशम झाड़ी नामक स्थान पर है। यह वह स्थान है जहाँ चंद्रमा ने तपस्या कर भगवान शिव के मन को जीत लिया और भगवान शिव ने फलस्वरूप उन्हें हमेशा के लिए अपने मस्तक पर सजा लिया। यहाँ पर मांगी गई हर एक मन्नत पूरी होती है। जिस तरह भगवान शिव ने चंद्रमा की मनोकामना पूरी की, उसी प्रकार से भगवान शिव यहाँ सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। नंबर 5, सोमेश्वर मंदिर। सोमेश्वर मंदिर ऋषिकेश के गंगानगर के समीप है। यहाँ इस स्थान को सोमेश्वर नगर के नाम से भी जाना जाता है। यह वह स्थान है जहाँ सोमदेव ऋषि ने अपने तप से भगवान शिव को प्रकट किया और भगवान शिव ने अपने 11 रुद्रों को
यहाँ पर प्रकट किया, जो कि आप आज 11 वट वृक्ष के रूप में देख सकते हैं और उनसे अपनी सभी मनोकामनाएं मांगकर पूर्ण कर सकते हैं।